अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 7.5 में आपको करवा रही हूँ। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 आज की वीडियो में हम करेंगे। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। आपने एंगल ऑफ ट्राइंगल मालूम करने हैं, वेयर द स्लोप्स ऑफ इट्स साइड्स आर। आपको स्लोप्स ऑलरेडी गिवन है। लास्ट टू क्वेश्चन में आपको स्लोप्स गिवन नहीं थे, आपने स्लोप पहले फाइंड आउट किए, देन फिर आपने सॉल्व किए एंगल्स के लिए। बट यहाँ पर स्लोप्स गिवन है, आपने जस्ट फाइंड आउट करने हैं एंगल्स। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं सबसे पहले कि लेट एम वन बी द स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप है एम वन, ठीक है। तो हम यहाँ बता भी देते हैं कि एम वन इक्वल्स टू 3, पहला एम वन है। एंड एम टू बी द स्लोप ऑफ, एम टू को स्लोप कह रहे हैं हम बी सी का, तो एम टू है 1/2। इसी तरह एम थ्री बी द स्लोप ऑफ ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी। एम थ्री है -2। नाउ फाइंड थीटा वन, थीटा टू एंड थीटा थ्री। तो टेन थीटा वन अगर हम फाइंड आउट करें, तो थीटा वन के लिए हम करेंगे, थीटा वन है स्लोप ए बी और बी सी का, ठीक है। अगर हम इसमें भी अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें उसी तरह से जैसे बुक में आपके ड्रॉ है, आप चाहे तो 90 वाली ड्रॉ करें ना करें, ठीक है। एंगल्स का कुछ पता नहीं है अभी हमें कि भाई क्या आ सकते हैं, ठीक है। बट हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 90 का इसको मैं कह देती हूँ ए, इसको बी और इसको सी। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ए बी का एंगल आएगा बी सी पर, ए बी टू बी सी, ठीक है। हम यहाँ पेंसिल से लिख लेते हैं, ए बी टू बी सी है। कौन सा एंगल है ए बी टू बी सी? ए बी टू बी सी, इसे हम थीटा वन कह रहे हैं, इसे थीटा टू कह रहे हैं, इसे थीटा थ्री। तो ये है थीटा टू। इसी तरह बी सी टू, बी सी टू ए सी, बी सी से ए सी पर जो एंगल आ रहा है वो है ए बी का, बी सी से जो एंगल जा रहा है उसे हमने थीटा टू कहा, ठीक है। इसी तरह बी सी का ए सी पर जो एंगल आ रहा है, बी सी का जो ए सी पर एंगल आ रहा है उसे हम कह रहे हैं थीटा थ्री। इसी तरह ए सी का जो ए बी पर एंगल जा रहा है उसे हम कह रहे हैं थीटा वन, ठीक है। ये सारे एंगल्स मैंने पेंसिल से राइट डाउन कर लिए ताकि मुझे ईजीली सॉल्व करने में कोई मसला ना हो, ईजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर हम थीटा वन की बात करें तो थीटा वन ए सी टू ए बी है। ए बी क्या है? एम वन, और ए सी क्या है? एम थ्री, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम एम वन माइनस एम थ्री अपॉन वन प्लस एम वन एम थ्री। एम वन है 3 माइनस एम थ्री है -2, वन प्लस एम वन एम थ्री 3 -2। अच्छा, एम थ्री माइनस एम वन होगा माइनस एम वन, 2 माइनस का और ये प्लस का 3। टेन थीटा वन इक्वल्स टू -2 माइनस प्लस -3, -2 -3 हो गए -5, और ये है प्लस माइनस, माइनस 3 2 6, 1 - 6 किया तो -5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। थीटा वन इक्वल्स टू 10 1 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 हमें पता है बराबर होता है 45 डिग्री के। तो थीटा वन आ गया 45 डिग्री। इसी तरह से 10 थीटा 2 को करें, थीटा 2 है
थीटा टू है ए बी टू बी सी, ए बी टू बी सी, ए बी क्या है एम वन और बी सी क्या है एम टू। एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, एम वन है थ्री माइनस एम टू है वन अपॉन टू। इसी तरह वन प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू, टू एल सी एम, थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस वन अपॉन, सॉल्व करें टू एल सी एम, टू पर थ्री वन ज़ा थ्री, टू से टू कैंसिल, सिक्स माइनस वन फाइव, थ्री टू फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, टेन थीटा टू इक्वल्स टू वन, थीटा टू यही रहा, टेन वहाँ जाके हो गया टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन सॉल्व करें तो वही आएगा 45 डिग्री, दोनों एंगल आ गए 45। तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वी नो दैट किसी भी ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो थर्ड एंगल मालूम करने के लिए हम 180 में से थीटा वन और थीटा टू को माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो थीटा थ्री आ गया 90 डिग्री, थीटा वन आ गया 45, थीटा टू आ गया 45 एंड थीटा थ्री आ गया 90 डिग्री आर द एंगल्स ऑफ गिवन ट्राइंगल। ये आ गए आपके पास एंगल्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।